भगवान शिव को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है बिल्व पत्र। जी हाँ, कहते हैं बिल्व पत्र भोलेनाथ जी को अर्पित करने से बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर पर सावन के मास में तो भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। बिल्व पत्र को लेकर एक मान्यता है कि इसे सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के अलावा कुछ और भी तिथियां हैं जिस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए और भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करते समय कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बेलपत्र ऐसा पत्र है जो हमेशा उपयोग हेतु है। ज्योतिष के अनुसार बिल्व पत्र कभी बासी नहीं होते और ये कभी भी अशुद्ध भी नहीं हो सकते, और अगर आप इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरी बार धोकर प्रयोग में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। 3 से कम दल वाला बिल्व पत्र पूजन के योग्य नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन बिल्व पत्र चढ़ाना हो, साधक को उससे एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन ज्यादातर लोग शिवालय जाते हैं और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करते हैं। ऐसे में सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना निषिद्ध माना गया है। इसके अलावा धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित है। अगर आप इस दिन बिल्व पत्र तोड़ते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। वहीं लिंग पुराण के अनुसार शिव या देवताओं को बिल्व पत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।